हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही जायकेदार खीर, और इसको हम कैसे बनाते हैं। बहुत अच्छी खीर बन के तैयार हुई है हमारी। तो अच्छा, मीठे जब भी मन करे खाने का तो हम कुछ ना कुछ घर पे बनाते ही हैं, जिसमें हमने खीर बनाई है। और ये खीर बनाना बहुत आसान है। तो यहाँ पे मैंने बस 3 कटोरी खीर बनाई थी, क्योंकि यहाँ पे 2 जने हैं हम। तो इसके लिए हमने करीब करीब 2 ग्लास लिया था दूध, और उसके बाद हमने 1 कटोरी लिए चावल, और 2 ग्लास दूध में हमने आधा ग्लास पानी डाल दिया था, और चावल को हमने आधा घंटे के लिए भिगो के छोड़ दिया, और हमने दूध चढ़ा दिया था फ्राईदान में। तो फ्राई दूध हो गया हमारा गरम। गरम दूध होने के बाद उसमें हमने डाल दिए चावल। तो उसके बाद हमने स्लो गैस पे इसको 10 से 15 मिनट को पकने दिया। इससे बहुत अच्छी खीर बन के तैयार होती है, और खीर में एकदम जो चावल होते हैं वो एकदम दूध में घुट जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, हमारा काफ़ी अच्छी खीर ये हो चुकी है। तो यहाँ पे का स्लो गैस पे बन रही थी, तो घुट घुट के बनती है। उसके बाद हमने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स जो थे मेरे पास वो मैंने डाल दिए। अगर आप जो चाहें वो और ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें हमने चीनी डाल दी। चीनी डालने के बाद ड्राई फ्रूट्स डाले और इनको अच्छे से मिक्स कर दिया। तो हमारी यहाँ पर खीर हो गई है तैयार। और आपको अगर ये हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है घर की रसोई। और बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू।